आज देखो, ये हमारी जो बुक है ना मैथ मैजिक की, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, इसको क्या बोलते हो आप? ये बुक का शेप क्या है? बनावाकार, क्यूबॉइड, नहीं, अगर टू डायमेंशनल की बात करें, हाँ, आयताकार। तो ये इसकी क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई और इस साइड में लंबाई। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको देखो ये कुछ क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्यूब्स हैं, ठीक है, जैसे आप लूडो में भी होते हैं डाइस, लेकिन लूडो के डाइस में और हमारे इसमें एक फर्क है, क्या? वो लूडो की डाइस में गिनतियाँ लिखी, हाँ, उसमें गिनतियाँ लिखी रहती हैं, 1 2 3 लिखा रहता है, या उसमें बड़े भी होते हैं? नहीं, बड़े तो सेम, तो साइज तो सेम है। देखो ये जो इसका साइज है ना, कितने कितने कितना होगा लगभग, लगभग आपको, हाँ, 1 सेंटीमीटर का है ये, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपको क्या करना है, आपके पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ये है कि हम इन क्यूब्स की हेल्प से ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। कैसे पता करेंगे, हमको दिमाग लगा सकते हो? सर, क्यूब ऊपर कोड रख के जी, रखो ना जरा, चौड़ाई बताओ पहले कितनी है इसकी। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे रखना है इनको। इसकी जगह आप एक 10 का भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास 10 वाला भी है, तो इस, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर ये 10 के बराबर एक ही है, तो सीधे हम 10 भी रख सकते हैं, 10 का रख लो एक, और बाकी अब जितना बच जाए उतना रख दो। हाँ, तो कितना हो गया ये? 21। क्या यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सिंपल सा, 1 सेंटीमीटर का एक है ना, ठीक है, तो 21 क्या हो गए? 21 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। चौड़ाई, अब लंबाई भी बता दो। सीधे करो सर, 28। कितना हो गया? 28। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका, कितना हो गया इसके, ठीक है सर, 28 से थोड़ा कम है जी। हाँ, 28 से थोड़ा कम, लगभग मतलब 28 है ना पूरा, ठीक है, उधर लगाना बेटे उसको, सही से लगाओ। तो बाहर जा रहे हैं ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो 21 सेंटीमीटर तो इसकी ब्रेथ थी, और 28 सेंटीमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? गुणा करके। 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? 28 से। अब देखो, 21 से 28 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 20 अंक की, 20 को 20 से गुणा करके कितना आएगा? 400। अब कितने कितने बचे बताओ? 680। रॉन्ग। 580। जितना भी आएगा, ठीक है, 21 को आप 28 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना जितना भी। अब देखो हमने करना क्या है, 21 से 28 को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जब भी आप 21 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी क्यूब्स आएंगे उतने क्यूब्स इसका क्या हो जाएगा सारा? नहीं, क्या है वो? एरिया, क्षेत्रफल जो है वो, क्षेत्रफल मतलब इतना क्षेत्रफल घेरती है ना किताब। 21 को 28 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आता है, ठीक है, जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो इतने क्यूब्स हैं, अगर इन सारे क्यूब्स को अगर हम इसमें भर देना इस बुक में, तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा, जितना आपका आंसर आएगा 21 को 28 से मल्टीप्लाई करके, सेम आंसर आएगा अगर हम इन सारे क्यूब्स को इस बुक के अंदर भर भी दें तो, ठीक है, समझ आई कि नहीं आया? ओके, My math magic book is about 10 सेंटीमीटर long. कितनी लंबी है बुक हमारी? 28. So 10 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट अलॉन्ग इट्स लेंथ. कितने? 28. And it is about 10 सेंटीमीटर wide. कितनी चौड़ी थी? 21. और ये भी 21. So total 10 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक. क्या करना था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो कितना आएगा? 588 सेंटीमीटर क्यूब्स. Now if all these cubes are arranged in one line, then how long will that line be? अब वो बोल रहे हैं कि जितने भी हमने 588 cubes इस बुक को फिल करने में लगाए, अगर उन सबसे हम एक लंबी लाइन बना दें, तो कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी?
588 तो बनेगी क्योंकि हर एक क्यूब एक एक सेंटीमीटर का था, तो 588 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अ स्टेज इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक्स, और अब वो बोल रहे हैं कि एक कोई स्टेज है जहां पर हम प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो वो स्टेज अगर 5 मैथ मैजिक की बुक्स के बराबर है तो द वॉल्यूम ऑफ दैट दिस स्टेज इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब वो बोल रहे हैं कि अगर 5 मैथ मैजिक बुक्स, मैथ मैजिक की बुक से अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो एक बुक का वॉल्यूम कितना था, 588 सेंटीमीटर क्यूब्स, तो 5 का कितना होगा, क्या करना होगा, गुणा 588 को 5 से गुणा, 2940 सेंटीमीटर क्यूब्स कर लोगे। अब आप जो करके लेके आओगे वही लेके आओगे, मैच बॉक्स को नाप के लेके आओगे अपने घर में, जो आपके माचिस की डब्बी होती है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, फिर ज्योमेट्री बॉक्स को नाप के लाओगे और एक इरेजर को नाप के लाओगे, कर लोगे।